थ्योरम का स्टेटमेंट ले दो और स्टेटमेंट से पहले भी लिख दो, पहले थ्योरम ना दो।
इसका मीनिंग हुआ है आर क्या है क्लोजिंग नोड एबी पर आर एंट्रीकेबल है ठीक है ना। अगर ये आर एंट्रीकेबल है तो देखिए आर एंट्रीकेबल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है अपर रीमन इंट्रीगेशन और लोअर रीमन इंट्रीगेशन इक्वल होते हैं ना, कैसे होते हैं इक्वल। देन और आपको जो क्या करना है वी समुदाय जीरो लेस देन इक्वल यू हैव पी माइनस एल एंड पी लेस देन एप्सिलॉन क्या लाना है ये लेस देन में एप्सिलॉन। अब इसके लिए करोगे क्या आप देखिए f belongs to r a b then यानी f r एंट्रीकेबल है ना, then अपर रीमान इंट्रीगेशन इक्वल टू किसके लोअर रीमान इंट्रीगेशन इनकी वैल्यू कुछ भी तो आएगी a to b f of x dx से इक्वल आएगी ये मान लीजिए। अब आपको हमने एक डायरॉक्स थ्योरम बताया थी ना तो उसका हमने स्टेटमेंट लिखाया था करना इसको रन कर देना तो आएगा बाय डायरॉक्स का थ्योरम ताकि उसमें वो इंटीग्रल यूएफपी लाइन है एक तो था यूएफपी के लिए तो ये था यूएफपी लाइन है अपर रीमान इंटीग्रेशन प्लस में कितना एप्सिलॉन था एंड एलएफपी के लिए क्या था लोअर रीमान इंटीग्रेशन और क्या था माइनस एप्सिलॉन। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं इसको एप्सिलॉन बाय 2 से डिवाइड कर देंगे तो प्रॉब्लम। अब देखो इसमें अगर आप इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस एप्सिलॉन माइनस से मल्टीप्लाई करोगे साइन चेंज होगा a बार टू b माइनस का f ऑफ x dx प्लस एप्सिलॉन बाय 2 इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ये थर्ड इक्वेशन और प्रॉब्लम सेकंड थर्ड डाल दिया। अच्छा आप क्या करोगे फ्रॉम टू एंड थ्री क्या ऐसे करो यूजिंग वन इन इक्वेशन टू एंड थ्री यूज कर रहे हैं फर्स्ट वाले का इसमें सेकंड में बताना है क्या है ये यूएफपी लाइनर ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स अपर रीमान इंटीग्रेशन किसके उसके और कितना है प्लस का एप्सिलॉन बाय 2 एंड एल एन पी लेजर में क्या माइनस एल एन पी लेजर में माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2 फोर्थ और फिफ्थ डाल दें इनको सम कर दें इनका 4 प्लस 5 इंप्लाइज क्या बनेगा यहाँ यूएफपी माइनस एलएफपी लाइजर में ये कैंसिल हो जाएगा ना तो क्या लिखोगे इसमें यूएफपी माइनस एलएफपी लाइजर में एफसारे बट वी नो दैट क्या होता है यूएफपी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल एलएफपी पता है कि नहीं सर यानी यूएफपी माइनस एलएफपी ग्रेटर देन इक्वल 0 इसको आप डाल दीजिए 6 और इसको 7 फ्रॉम 6 एंड 7 देखना UFP माइनस LFP कैसा है जीरो से बड़ा है ना ये UFP माइनस LFP और ये लाइनर कितने से एप्सिलॉन। अब क्या इसमें कन्वर्सली इंप्रूव करोगे सफिशिएंट ये तो नेसेसरी कंडीशन हो गई सफिशिएंट कंडीशन के लिए प्रूव करोगे या कन्वर्सली क्या दो पहले इसको यहां तक नोट कर लें
किसी से
इस इंप्लीकेशन से कोई प्रॉब्लम किसी को भी। अभी अगर हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करें लाइन इक्वल हो जाएगा ना माइनस एन एफ पी नंबर डालना इसको 10 ऐड करना दो 9 प्लस 10 इंप्लाइज हम तो प्लस कर रहे लेकिन ये माइनस है तो माइनस आएगा ना सर। और कितना है ये डेल्टा इक्वल में यूएफपी माइनस एन एफ पी लेकिन UFP माइनस LFP क्या है इक्वेशन नंबर 8 से एप्सिलॉन कितना है ये लेस देन एप्सिलॉन कहां से फ्रॉम 8 क्या बना ये अपर रीमन इंटीग्रेशन माइनस लोअर रीमन इंटीग्रेशन लेस देन में कितना है एप्सिलॉन एप्सिलॉन कैसा है आर्बिट्री एप्सिलॉन कैसा है आर्बिट्री और एप्सिलॉन क्या होता है एमसीक्यू तो आप क्या लिखोगे अपर रीमान इंटीग्रेशन माइनस लोअर रीमान इंटीग्रेशन अपर रीमान इंटीग्रेशन माइनस लोअर रीमान इंटीग्रेशन क्या बनेगा ये लेस देन में सॉरी अंतर निकाल के एक्स जीरो का इसको इक्वेशन नंबर डाल दो कौन सा 11 वी नो दैट अपर रीमान इंटीग्रेशन और वे ग्रेटर देन इक्वल लोअर रीमान इंटीग्रेशन पता है कि नहीं अपर रीमान इंटीग्रेशन इसको लेफ्ट लाओ माइनस लोअर रीमान इंटीग्रेशन ग्रेटर देन इक्वल 0 इसको 12 डाल दो फ्रॉम 11 एंड 12 क्या बनेगा देखो ए ग्रेटर देन इक्वल 0 ये लेस देन इक्वल 0 तो इसका मतलब इक्वल 0 a to b f of x dx minus lower Riemann integration इसको equal में ले जाओ क्या बना upper Riemann integration equal to lower Riemann integration कोई problem किसी को note करो ये हो गई sufficient condition ये तो prove करना था
बताइए आप बोलिए आप क्या कह रहे हैं।